साइंटिफिक टेंपर और धर्मनिरपेक्षता पे काफी जोर है दस्तावेज में। जब आप 2000 में आते हैं तो शिक्षा को ठीक उसी नजरिए से देखा जाता है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और राष्ट्रीय अस्मिता बनाने के लिए, ये भी दोनों में है, नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल और हमारी जो भी हेरिटेज है, विरासत, सांस्कृतिक विरासत, बच्चे को उसमें उसे परिचय करवाना और उसका संरक्षण और उसका संवर्धन, ये सारी चीज है। लेकिन 1988 के दस्तावेज में जब हम राष्ट्रीय धरोहर और विरासत की बात करते हैं और उसके संरक्षण की बात करते हैं तो ये महसूस नहीं होता कि आप उस पर कोई अत्यधिक बल दे रहे हैं या दुनिया में जो वैचारिक विकास हो रहा है उसको छोड़ के आप उधर ही की बात ज़्यादा कर रहे हैं। 2000 के दस्तावेज को जब आप देखते हैं तो वो बाकी चीज़ें समान रखते हुए अत्यधिक बल इस पर राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक संरक्षण वगैरह पर है। कई जगह ऐसा भी लगता है कि जिस ढंग से 2000 के दस्तावेज में इस सारी बात को लिया गया है, इसकी व्याख्या की गई है, वो बार बार विवेकशील चिंतन और सेक्युलरिज्म के साथ टकराती है। हालांकि उन्होंने अगले वाक्यों में उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो भावना स्पष्ट हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात है अपने यहाँ, हमारे यहाँ रिवाज साइंटिफिक टेंपर कहने का है, विवेकशील चिंतन का विकास या रेस डेवलपमेंट ऑफ रीजन या डेवलपमेंट ऑफ रेशनल थॉट या रेशनल इंक्वायरी नहीं कहते हम साइंटिफिक टेंपर कहते हैं। साइंटिफिक टेंपर रेशनल इंक्वायरी का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रचारित होने के दो कारण थे। एक तो नेहरू जी ये शब्द काम में लेते थे और ये अच्छा ही होगा उस जमाने में, और दूसरी बात मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है लेकिन हमारे जो नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटीज हम जिसको कहते हैं उनमें से एक साइंटिफिक टेंपर का विकास है। एक शिक्षक के नाते मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि ये थोड़ा सा लंगड़ी अवधारणा है। तो लेकिन 2000 के दस्तावेज में इस दस्तावेज की जब आप बात करते हैं तो इसमें आप ये दस्तावेज भी राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है और राष्ट्रीय उद्देश्यों को कोई विरोध की बात नहीं है या उससे अलग हटने की बात नहीं है, लेकिन ये बात को दोबारा से मुदालिया रे कमीशन के जमाने से उठाता है और शिक्षा को लोकतंत्र के साथ जोड़ता है। और लोकतंत्र की एक मूल शर्त यह है कि हर इंसान अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में वैल्यूएबल है। वो आपके ये बहुत अच्छी बात है, वो राष्ट्र को कंट्रीब्यूट करे, सामाजिक प्रक्रियाओं में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन वो नहीं भी करता है तो इंसान के रूप में उसकी कीमत फिर भी है। ये बात इस डॉक्यूमेंट में ज्यादा रेखांकित होकर आती है। बहुत ध्यान से कोई पढ़ेगा तो इन दोनों पोजीशंस में थोड़ा फर्क है। एक में राष्ट्र है और नागरिक को राष्ट्र के अनुसार ढालना है, दूसरे में नागरिक एक सचेत और विवेकशील प्राणी है और स्वतंत्र है, इसलिए वो राष्ट्र की तस्वीर कैसी हो इसमें भी अपनी राय दे सकता है। तो इसमें नागरिक के लिए वो स्वतंत्रता कि आप राष्ट्र कैसा बनाएं उस पर बल है। तो ये जो सरोकार में जिस तरह से बदलते हैं उसमें ये फर्क है। दूसरा सरोकार जो मैं शुरू से ही कह रहा था, ये वहीं से आ रहा है जहां मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लोकतंत्र एक बड़ा सरोकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा इन तीनों दस्तावेजों में विकसित होती है और यहां पर वो अधिक पूर्ण है। संपूर्ण है ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन तुलनात्मक रूप से। दूसरा, शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से
जो दूसरा बड़ा परिवर्तन इन दस्तावेजों में है, पहले के जो दोनों दस्तावेज हैं वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, दोनों में ये शब्द है और दोनों में इसका बार बार कहा भी जाता है बच्चा अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करता है। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म को थोड़ी ज़्यादा विस्तार से व्याख्या करके और क्लासरूम में वैसा किया कैसे जा सकता है इसके कुछ उदाहरण और उसके लिए कोशिश करने के तरीकों पर ज़्यादा विस्तार से लिखा गया है इसमें। ये दूसरा इम्पोर्टेंट फर्क है, कुछ बहुत सारे और भी फर्क हैं लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये दो इम्पोर्टेंट फर्क हैं इसमें। तो अभी ये इस NCF 2005 की निर्माण प्रक्रिया, आपके जो अनुभव रहे उस पूरे निर्माण प्रक्रिया में संलग्न होने के, और जो तात्कालिक सरोकार रहे और जो स्रोत, इस पे हम लोगों ने एक बात करी। और एक इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पाठ्यचर्या पे शिक्षाविदों में बहस होती रहती है, और पिछले सालों में 10-15 सालों में कहें तो बहुत सघन बहस हो रही है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आता है कि एक तरफ तो शिक्षाविदों के बीच में ये बहस एक लेवल की मैच्योरिटी को प्राप्त कर रही है, लेकिन शिक्षकों तक ये बहस पहुंची ही नहीं, ऐसा आभास होता है। तो आप, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पाठ्यचर्या के मायने क्या हैं, और किसी भी राष्ट्र के लिए या भारत जैसे देश के लिए इसके मायने हम कैसे देखें समझें। अपने सारे पाठ्यचर्या दस्तावेजों को आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत साफ हो जाएगा कि जो अंग्रेजी का शब्द करिकुलम है, पाठ्यचर्या एक्चुअली उसके समकक्ष या उसके अनुवाद के रूप में हम लोग काम में लेते हैं। जहाँ तक मेरे देखने में आया है, इसके लिए भारत में दो शब्द काम में लिए जाते हैं हिंदी में, बाकी भाषाओं में क्या काम में लिया जाता है मुझे बहुत जानकारी नहीं है। एक शब्द है पाठ्यचर्या, तो NCERT जो किताबें छापती है और कुछ और राष्ट्र सॉरी और राज्य, वो करिकुलम का अनुवाद पाठ्यचर्या के रूप में करते हैं। राजस्थान में जब यही बात की जाती है तो वो उसको शिक्षाक्रम कहते हैं। तो राजस्थान का शब्द शिक्षाक्रम और NCERT का शब्द पाठ्यचर्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों करिकुलम शब्द के अनुवाद हैं। अब दिक्कत ये है कि करिकुलम की अवधारणा स्वयं ही सारी दुनिया में कोई एक मत उस पर नहीं है। तो यदि हम मान लीजिए हम पाठ्यचर्या शब्द को काम में लें करिकुलम की जगह, तो अलग अलग लोग उसको अलग अलग ढंग से बात करते हैं। जब शिक्षाविद और खास करके शिक्षा दर्शन के लोग बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि चाहे आप सीधे सीधे उन उद्देश्यों को आर्टिकुलेट करें या न करें, शिक्षा के हमेशा उद्देश्य होते हैं। वो कई बार आर्टिकुलेटेड हो सकते हैं, कई बार इम्प्लिसिट हो सकते हैं। और शिक्षाक्रम या पाठ्यचर्या वो योजना है जिसके तहत काम करके कक्षाओं में स्कूलों में पढ़ा के आप उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। ये छोटी सी और नीट परिभाषा है, एक मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्राप्ति की योजना। लेकिन जब इसका विश्लेषण शुरू हो जाता है, खासकर सामाजिक विज्ञान के लोग जब इसका विश्लेषण करते हैं, तो फिर इसमें से कई चीज़ें और निकल जाती हैं कि किसी राष्ट्र ने हो सकता है कि एक प्रकार की पाठ्यचर्या बना रखी हो और उसके कुछ उद्देश्य हों, और लेकिन जब स्कूल में वो पाठ्यचर्या लागू होती है तो उन उद्देश्यों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हो जाती हैं। जो मान लीजिए स्कूल में तो आपने ये पाठ्यचर्या का उद्देश्य तो ये है कि सारे लोग हिंदी गणित विज्ञान या जो भी भाषाएं और आप पढ़ाते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और इसको पढ़ाने के लिए आप एक बड़ा लंबा कई वर्ष तक चलने वाला प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें एक आदमी पढ़ाता है बोर्ड पर खड़ा होकर और बाकी बच्चे अनुशासित ढंग से सामने बैठे होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है कक्षा की, ये एक कुछ और चीजें जो आपने अपनी पाठ्यचर्या में कहीं नहीं लिखी लेकिन उसके नतीजे के रूप में हो रही हैं।
कि उन्होंने अथॉरिटी का आज्ञा पालन भी उसके साथ साथ सीख लिया, जो हो सकता है आपने अपने उद्देश्यों में लिखी नहीं थी। तो ये उस पाठ्यचर्या के इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे हो गए। इस प्रकार की चीजों को समाहित करने के लिए लोग छद्म पाठ्यचर्या या छुपा हुई पाठ्यचर्या हिडन करिकुलम या इंटेंडेड करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेड करिकुलम वगैरह वो शब्दावली काम में ले लेते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो डेरिवेटिव शब्दावली है और वो एक सोशल परिस्थिति के अध्ययन के लिए बनाई जाती है, तो बहुत उपयोगी है, लेकिन वो पाठ्यचर्या की अवधारणा जो मूल है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की योजना, उस पर कोई असर नहीं डालती, उसके विरोध में नहीं खड़ी होती। तो यहां भी एक्चुअली पाठ्यचर्या का यही आशय लिया गया है। अब दूसरी बात यह है कि हमारे जैसे बड़े देश में जिसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, ये पहली बात है, इसमें एक संघीय ढांचा है हमारे लोकतंत्र का, ये दूसरी बात है, शिक्षा का बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा और वो किस तरह से बनेगी ये सारा राज्यों के हाथ में होता है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर हम एक राष्ट्र भी हैं, इसलिए एक समग्र स्वरूप जो सारे राष्ट्र में हो वो भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं जब हम लोग पाठ्यचर्या बनाते हैं, कुछ और देशों में नहीं होती है। जैसे इंग्लैंड में उन्होंने पाठ्यचर्या बनाई यूके में, और वो लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में सारे देश में लागू हो गया, सब स्कूलों को मानना होगा। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं हो सकता। पहले तो आप इन तीनों दस्तावेजों को देखें तो आपको एकदम महसूस होगा कि पहले दोनों दस्तावेजों में, खासकर 1988 के दस्तावेज में, एक बहुत बड़ी चिंता यही है कि राष्ट्र में शिक्षा का उद्देश्य और पेडागोजिकल स्वरूप तो छोड़िए, ढांचा ही एक जैसा नहीं है। जैसे अभी जो जिसको हम कह रहे हैं कि 10+2, इसको स्थापित करने में हमको लगभग 20-25 वर्ष लगे थे। ये कोठारी कमीशन के तुरंत बाद प्रक्रियाएं शुरू हुई थी और 88-90 के आसपास तक आते आते पूरे राष्ट्र में ये ढांचा एक जैसा हुआ है। तो उन दस्तावेजों की एक बड़ी चिंता शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप बनाना, और राष्ट्रीय स्वरूप का एक हिस्सा ढांचा एक जैसा बनाना। दूसरा, इन दस्तावेजों में घोषित रूप से लिखा हुआ है कि स्कीम ऑफ स्टडीज एक जैसी बनाना। स्कीम ऑफ स्टडीज का मतलब है जैसे प्राइमरी में आप वहां की क्षेत्रीय भाषा पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं और पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं, और उसके बाद कुछ और चीजें शामिल हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। तीनों दस्तावेज में कला शिक्षण और स्वास्थ्य और से संबंधित शिक्षण। तो अब ये स्कीम ऑफ स्टडीज है, कल्पना ये है कि पूरे राष्ट्र में अलग अलग प्रांत, इनके अंदर क्या जाएगा उसमें कुछ भेद कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम ऑफ स्टडी एक तो वैसी होनी चाहिए और इसमें बच्चे की क्षमताएं हैं उनमें समकक्षता होनी चाहिए संपूर्ण राष्ट्र में। दूसरी जो चिंता है तीनों दस्तावेजों में, पहले दोनों में ज्यादा है, तीसरे में थोड़ी सी कम है, वो है राष्ट्रीय एकता। तो हमारा जो प्रसिद्ध नारा है विविधता में एकता, उसको पाठ्यचर्या को उसको संबोधित करना पड़ता है, और इसलिए तीनों पाठ्यचर्याओं में एक बात है जिसको कहते हैं कॉमन कोर। तो 10 ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो सारे पाठ्यचर्याओं में होनी चाहिए। इस बात को आप देखेंगे, इन सारी चीजों को मिला के ये जो 10 बातें हैं कॉमन कोर वाली, ये हमारी 1986 की शिक्षा नीति से आती है, ये उसमें कही गई है। उससे पहले भी इसका जिक्र हुआ है लेकिन उसमें डिफाइन की गई है, तो ये समान है। अब आप यदि पूरे राष्ट्र के लिए पाठ्यचर्या की बात करेंगे तो फिर आपको 3-4 चीजों का एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा का ढांचा वर्षों और कक्षाओं के हिसाब वाला एक जैसा हो, स्कीम ऑफ स्टडीज एक जैसी हो, क्षमताएं एक जैसी हो, और कॉमन कोर वाला हिस्सा सब में आए, और उसके बाद में सबके लिए
विभिन्न प्रकार से अपने अपने पाठ्यचर्या दस्तावेज अलग अलग प्रांतों में बनाने की छूट है। तो इस दृष्टि से आप देखें तो ये पूरा का पूरा वर्कड आउट करिकुलम भी नहीं है, हम नहीं बना सकते। हमारे लिए नीतिगत दृष्टि से पूरे राष्ट्र के लिए एक पाठ्यक्रम या शिक्षा क्रम बना के या उसको करिकुलम बना के पूरे राष्ट्र में एक जैसा लगाना हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है और हमारी परिस्थितियां के भी विरुद्ध है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रूपरेखा जो शब्द है फ्रेमवर्क, तो ये जो फ्रेमवर्क रूपरेखा अच्छा शब्द है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेमवर्क इसकी भावना को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपके कुछ मूल सिद्धांत हैं, आपने वो सिद्धांत एक साथ रख दिए और वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो सकते हैं, उनके निहितार्थ क्या हैं, वो कुछ हद तक स्पष्ट कर दिया और बाद में आपने लोगों से कहा कि भाई इन सब सिद्धांतों को मानते हुए इनको बिना तोड़े आप अपनी अपनी प्रकार के पाठ्यक्रम बना लीजिए। तो इसलिए ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा या सॉरी पाठ्यचर्या की रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये करिकुलम वर्कड आउट करिकुलम नहीं है। और ये भी माना जाता है पूरी दुनिया में अभी और भारत में तीनों दस्तावेज ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें मूल सिद्धांत लिखे हुए हैं और आगे हर प्रांत अपने अपने पाठ्यचर्या दस्तावेज बना सकता है। जो 2005 का दस्तावेज है वो तो ये कहता है कि हर स्कूल और हर जिला भी अपने अपने बना सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कोई बाध्यकारी और प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है। इनेबलिंग का मतलब है कि आपने मोटे मोटे सिद्धांत बता दिए और उनको कैसे लागू करें उसकी सामग्री उपलब्ध करवा दी। ये जो पोजिशन पेपर्स का विचार था वो इसीलिए है कि अब यदि ये सारा सेट कोई देखे जो मूल जो दस्तावेज है मुख्य दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 18 पोजिशन पेपर्स, ये ऐसी संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाते हैं जिसमें यदि कोई जागरूक शिक्षक किसी स्कूल में बैठे हों तो इस संदर्भ सामग्री के आधार पर बहुत अच्छी पाठ्यचर्या अपने स्कूल के लिए आराम से बना सकते हैं। और फिर इनमें से हर पोजिशन पेपर में आगे और रेफरेंसेस दी हुई है तो एक तरह से संदर्भ निर्माण का काम हुआ है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा ही है।